हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवीजन, गोइंग टू डू आवर रिवीजन चैप्टर नंबर 13 फन विथ मैग्नेट्स। सो हियर वी हैव गिवन कॉन्सेप्ट मैप। सो इन द कॉन्सेप्ट मैप देर इज विच काइंड ऑफ मैग्नेट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट एंड सिलेंडरिकल मैग्नेट। सो two types of magnets are there, artificial magnet and natural magnet. So natural magnet, attraction iron object, magnetic force. अभी यहाँ पर magnet दिया है। सबसे पहले तो magnet हमारा main portion आएगा, chapter का नाम है magnet। तो magnet के type क्या है? magnet के type है दो, artificial और natural। तो artificial में कौन से आते हैं? तो bar magnet आता है, horseshoe magnet आता है। natural में कौन सा आता है? सिलेंडरिकल मैग्नेट आता है, आर्टिफिशियल में चार मैग्नेट आते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, सिलेंडरिकल मैग्नेट, और एक आता है उसका टाइप नेचुरल मैग्नेट। बाद में आती है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। सो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आती है कि एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। सो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। तो जब भी पोल्स आते हैं तो दो साउथ और नॉर्थ पोल आते हैं, रिपल्शन होता है एंड अट्रैक्शन होता है, दो चीज़ होती है। फिर रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो अगर आप बार मैग्नेट को रेस्ट कराओगे तो वो हमेशा ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होगा। बाद में आता है मैग्नेटिक कंपास। तो वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम डायरेक्शन यूज़ करने के लिए फाइंड करते हैं। एंड मैग्नेट किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो सेपरेट करने के लिए, जो स्कार्फ होता है, कचरा होता है, उसमें से आयरन अगर हमें अलग करना है तो उसके लिए मैग्नेट हम यूज़ करते हैं। बाद में प्रिपेयर बाय सिंगल टच मेथड परमानेंट मैग्नेट, सो लॉस प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग एंड हैमरिंग इटीसी। तो एक मेथड से ही मैग्नेट बनाया जाता है और वो अपने प्रॉपर्टीज लॉस कब करता है? जब उसको आप हीट करते हो, हैमरिंग करते हो। तो बाद में उसकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए? सो कीप इन पेयर विथ अनलाइक पोल्स टुगेदर। तो साउथ साउथ साथ में नहीं रखने, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ऐसे साथ में रखने। बाद में सेपरेट बाय पीस ऑफ वुड। और अगर सेपरेट रखना है तो बीच में हमें क्या रखना है? वुड को रखना है। बाद में मैग्नेट के मटेरियल्स, तो एक आता है मैग्नेटिक और एक आता है नॉन मैग्नेटिक। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट मैप। अभी हमें चैप्टर में याद क्या क्या रखना है। सो एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्टिंग थिंग्स मेड अप आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल इज कॉल्ड मैग्नेट। तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जिसमें होती है आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, तो उसको, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेटाइट इज रॉक विथ प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? कि एक रॉक है, पत्थर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसकी वजह से हम उसको मैग्नेट बोलते हैं। तो दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट जो है वो एग्जिस्ट करता है डायरेक्ट रॉक में, लोडस्टोन ले सकते हैं उसमें। और आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ये सारे सिलेंडरिकल मैग्नेट, ये सारे हमने बनाए। तो मटेरियल्स दैट कैन अट्रैक्ट टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, एग्जाम्पल निकल, आयरन, कोबाल्ट। तो जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं उनके शेप रहते हैं बार शेप, सिलेंडरिकल, रेक्टेंगुलर, बटन, रिंग शेप, यू शेप, हॉर्सशू शेप। तो ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट। टू फ्री एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स एंड पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो जो मैग्नेट के एंड होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। वट एवर मे बी द शेप, ऑल द मैग्नेट्स हैव टू मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
कोई भी शब्द दो पोल होते हैं उसमें नॉर्थ और साउथ. द एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड एंड और द नॉर्थ पोल. तो जब आप जो मैग्नेट के एंड होते हैं उनको नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो नॉर्थ पोल बोलते हैं, और उसको फ्रीली छोड़ दो तो वो नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है उसमें ही वो रेस्ट करेगा, तो वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा हो जाएगा साउथ पोल. ओके नेक्स्ट. सो हियर इज द हियर इज सम क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स. सो मैग्नेटाइट कंटेंस आयरन. द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज निगलेबल एट इट्स सेंटर. तो सेंटर में उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है. अ मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग एविएशन, कैंपिंग, हंटिंग, ट्रैवलिंग इट इज. अगर आप मैग्नेट को रब करो थोड़े टाइम के लिए तो वो अनमैग्नेटाइज पीस हो जाएगा और सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको बार बार घिसोगे मैग्नेट के ऊपर तो वो जो मैग्नेट है वो आयरन बन जाएगा और आयरन जो है वो मैग्नेट बन जाएगा. नहीं तो फिर क्या होगा, जो मैग्नेट है वो मैग्नेट तो रहेगा ही लेकिन जो आयरन है वो भी मैग्नेट जैसा प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा. अ स्टील ब्लेड कैन बी मैग्नेटाइज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट बाय मूविंग द मैग्नेट. तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है आपको. लोडस्टोन तो क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट. बाद में आयरन क्या है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है. सिलेंडरिकल मैग्नेट तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है. प्लास्टिक, वुड, नायलॉन ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है. चाइनीज एम्परर तो यूज अ स्टैचू टू फाइंड डायरेक्शन. टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. तो प्रूफर्स करना है. तो अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, निकल, स्टील एंड कोबाल्ट. तो ट्रू. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन इजीली बी कन्वर्ट इनटू मैग्नेट. रॉन्ग, वो कभी भी नहीं होंगे. ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर दिस शेप मे बी. ट्रू. यस. अवर प्लैनेट अर्थ इज लाइक अ जायंट विथ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. ट्रू. पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. फॉल्स. अभी आता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो वेयर इज अ नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर. सो इट इज बिलीव दैट नेचुरल मैग्नेट वॉट फर्स्ट डिस्कवर एट प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. गिव टू यूजेस ऑफ मैग्नेट इन द हाउसेस. तो दो मैग्नेट, मैग्नेट आर फिटेड इनसाइड द डोर क्लोजर इन अ रेफ्रिजरेटर. तो हम कहाँ पे मैग्नेट यूज करते हैं, तो जो रेफ्रिजरेटर का डोर क्लोज करने के लिए मैग्नेट फिट किया होता है. बाकी पिन होल्डर होता है, कॉमन पिन स्टिक टू द होल्डर कंटेनिंग अ मैग्नेट. तो मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट इज़ अ रॉक दैट कंटेंस आयरन विच हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट. ओके. सो व्हाट आर मैग्नेट्स, दिस इज द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल आर कॉल्ड मैग्नेट्स. मैग्नेट किसको बोलते हैं, कि जो सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज़ है अट्रैक्ट करने की, जैसे कि आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, उसको बोलते हैं हम मैग्नेट्स. सो व्हाट विल हैपन इफ मैग्नेट इज़ रब इन सॉइल और सैंड हैविंग आयरन फीलिंग इट. तो अगर आप रब करोगे सॉइल में या सैंड में जिसके अंदर आयरन फीलिंग है, तो वो क्या आयरन फीलिंग उसमें से अलग होके मैग्नेट को स्टिक हो जाएगी. सो व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ मैग्नेट कॉल्ड पोल्स. How many poles does a magnet have? Two poles, magnet is having north pole and south pole. How will you know which one is the magnet from the two identical bars? We will bring
iron filling near the two identical bar, the bar and which iron filling stick will be magnet. तो हम क्या करेंगे, जो iron filling है वो identical bar के नज़दीक लाएंगे, और वो नज़दीक लाएंगे तब जहाँ पे iron filling जहाँ पे stick होती है वो हो गया हमारा magnet. तो अगर two magnets always rest in the same direction when suspend freely, name the direction. हाँ, अगर हम उसको फ्रीली छोड़ दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड होगा. सो व्हाट इज़ द मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक डिवाइस है जिसको हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं. उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो फ्रीली मूव करती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. सो व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय द स्टैचू ऑफ लेडी ऑन द चैरियट चाइनीज एम्पर? तो उनकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि जो स्टैचू ऑफ लेडी था, इट वुड रेस्ट इन सच पोजिशन इट एक्सटेंडेड ऑल पॉइंटेड टूवर्ड साउथ. ओके, डिफाइन नॉर्थ सीकिंग एंड साउथ सीकिंग पोल्स ऑफ मैग्नेट. तो मैग्नेट के जो एंड होते हैं दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग, एंड द ऑफ अ मैग्नेट दैट टूवर्ड्स द साउथ पोल अर्थ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड ऑफ द मैग्नेट. सो डू लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिप्ले ईच अदर? एक्सप्लेन. रिपल इच अदर, तो क्या जो राइट पोल्स है, मीन्स के सेम पोल्स है, लाइक पोल्स, क्या वो एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली करेंगे. कि अगर हम जो सेम पोल्स है वो साथ में रखेंगे तो उसके बीच में रिपल्शन होगा. तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे और एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो वी कैन ऑब्जर्व दैट नॉर्थ पोल ऑफ सस्पेंडेड टर्न्स अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ईच अदर. तो अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाओगे तो वो रिपल्शन होगा ही, वो दूर जाएंगे एक दूसरे के. अगर नॉर्थ और साउथ को साथ में लाओगे तो उसमें अट्रैक्शन होगा, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लाओगे तो उसमें रिपल्शन होगा. ओके, name and explain the property of magnets used by traveler to find the direction. तो एक freely suspended bar magnet है जो हमेशा एक तो एक freely suspended bar magnet है जिसको हमेशा हम rest position में रखते हैं, तो वो एक particular direction में आएगा जो north और south है. बाद में जो directive property है magnet की, वो ट्रैवलर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. अभी आएगा गिव रीजंस. गिव रीजंस, सो इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लीड फिट टाइटली व्हेन क्लोज इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट. तो जो पेंसिल बॉक्स होता है तो उसके जो लीड्स होती है वो टाइटली फिट होती है. जब हम वो बॉक्स को अरेंजमेंट किए बिना ही अगर बंद कर दिया फिर भी, तो कौन से पेंसिल बॉक्सेस ऐसे होते हैं तो लीड जो है टाइटली फिट किया होता है बिकॉज दे हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड देम. क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट अंदर फिट किया होता है. सो मोर आयरन फिलिंग आर अट्रैक्ट टू सम पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट देन अदर्स. तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द एंड्स, वो हमें पता है. सेंटर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, सो देयरफॉर मोर आयरन फिलिंग आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ मैग्नेट एंड फ्यू टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ इट. सो व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? तो जो अर्थ है बिहेव्स एज अ ह्यूज बार मैग्नेट.
pole, south pole is near the geographic north pole and north pole is near the geographic south pole. जो हमारा अर्थ है वो खुद ही एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है. जो साउथ पोल होता है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के साइड में होता है, जो नॉर्थ पोल होता है जियोग्राफिकल साउथ पोल में अट्रैक्ट करता है. तो सिंस अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, देयरफॉर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डिरेक्शन. So how is an artificial magnet made? Artificial magnet कैसे बनाते हैं? तो दो example हमें देने. तो artificial magnet can be made from rectangular piece of iron. तो iron का जो rectangular piece होता है उसमें उससे क्या करते हैं, moving one of the pole bar magnet from the one end of the iron bar. तो जो iron bar होता है उसका end point हम बार मैग्नेट के एंड पॉइंट के पास लेके जाते हैं एंड रिपीटेडली फॉर अबाउट 30 to 40 टाइम. ये हम 30 से 40 बार करेंगे. तो टू एग्जांपल ऑफ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आयरन है वो आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसके एग्जांपल है बार मैग्नेट एंड यू शेप मैग्नेट. व्हाई डज One end of magnetic needle of compass is usually painted in a different color. तो जो magnetic needle होती है compass की, वो हमने देखी है कि वो अलग अलग color में paint किए होते हैं. So the end of magnetic needle of compass indicate the north-south direction. ये तो हमें पता है. When it comes to rest, to identify the north pole of a magnetic needle, it is usually painted in a different color. तो north और south direction में जब वो rest करती है तो हमें magnetic needle को identify करना होता है, इसीलिए हम magnetic needle को दूसरे color में रखते हैं. बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. सो व्हाइल स्टोरिंग अ हॉर्स शू मैग्नेट, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, व्हाई? सो जो मैग्नेट्स है वो वीक एंड टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिज्म. मैग्नेट जो है वीक बनेंगे और उनके मैग्नेटिज्म लूज करेंगे. इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली, अगर उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डी मैग्नेटिज्म और ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स. समझ में आया? नहीं आया ना, मुझे पता है. तो मैग्नेट जो है वो वीक होते हैं और उनकी मैग्नेटिज्म लूज करते हैं. क्यों? अगर हम उनको प्रॉपरली स्टोर ना करें. और डी मैग्नेटिज्म ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट, तो अगर हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया, कैसे भी रख दिया, नॉर्थ नॉर्थ को साथ में रख दिया, साउथ साउथ को साथ में रख दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मैग्नेटिज्म लूज करता है. सो अगर उसको हमें मैग्नेट ऐसे ही रखना है तो हम उसके आसपास आयरन पीस रखेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हॉर्स शू मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा. सो हाउ शुड अ बार मैग्नेट बी स्टोर, बार मैग्नेट को कैसे स्टोर करना चाहिए? तो अनलाइक पोल्स जो होते हैं नॉर्थ के साथ साउथ, साउथ के साथ नॉर्थ, तो ऐसे दोनों को हमें साथ में रख के स्टोर करना है. Okay, next question, long question answer. So difference between magnetic
एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या? मैग्नेटिक मटेरियल इज गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, जैसे कि आयरन है, निकल, कोबाल्ट, ये सब है मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, जैसे कि कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, ये सब, वूलन ले लो, ये सब नहीं करते। तो एक एक्टिविटी हमको इधर दिया है, हमको वो एक्टिविटी एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या आएगा कि हमें क्या चाहिए, एक बार मैग्नेट चाहिए, वाइट शीट ऑफ पेपर चाहिए, आयरन फिलिंग चाहिए, इतनी चीज़ें हमें लेनी है। बाद में मेथड क्या है कि हमें थोड़ी आयरन फिलिंग जो है, वो जो वाइट शीट होती है पेपर की, उसके ऊपर हमें उसको स्प्रेड करनी है। तो आयरन फिलिंग हमने स्प्रेड कर दी। अभी स्प्रेड करने के बाद जो मैग्नेट है हमारा, वो मैग्नेट को आयरन फिलिंग के ऊपर हमें ऐसे गोल गोल घुमाना है, रोल करना है। तो अगर आप रोल कर दोगे तो सारे जो पार्ट्स हैं मैग्नेट के, वो आयरन फिलिंग को टच हो जाएंगे। और बाद में आप टच करोगे, उसको रेस्ट पोजीशन में रखोगे, तो क्या होगा पता है? जो पिक अप द मैग्नेट एंड ऑब्जर्व हाउ द आयरन फिलिंग आर डिस्टर्ब ऑल ओवर द मैग्नेट। अब मैग्नेट को टच करना है, आयरन फिलिंग को ले लेना है, मैग्नेट जो है उसको ऑब्जर्व करना है। आयरन फिलिंग जो है वो अभी क्या हो जाएगी, एंड पॉइंट है वहाँ पे वो धीरे 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 होके शिफ्ट हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्लिंग टू द बोथ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट एंड अ फ्यू ऑफ द मिडल ऑफ इट। तो मिडल में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मैग्नेटिज्म नहीं होता है ऐसा, तो वहाँ पे भी होगा सेंटर में, लेकिन वहाँ पे कम होगा और ज़्यादा किस में होगा, जो मैग्नेट के एंड पॉइंट्स है वो मैग्नेट के एंड पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग कलेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट के जो एंड पॉइंट्स है, वो एंड पॉइंट्स पे हमारा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पावर जो होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके। तो उसके ऊपर से हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि दिस एक्टिविटी क्लियरली शोज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम नियर द एंड्स। मैग्नेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है, मैग्नेट के एंड में होती है। द एंड ऑफ अ मैग्नेट वी हियर द मैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट आर कॉल्ड होल्स। और जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पावर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक या फिर होल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि हमें मैग्नेटिक जो कंपास है उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो एक मैग्नेटिक कंपास है, एक स्मॉल बॉक्स होता है, ग्लास का कवर होता है उसके ऊपर, और उसकी जो एक मैग्नेटिक नीडल होती है वो अंदर उसके फिट किया हुआ होता है और वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो कंपास जो हैज़ अ डायल विद अ डायरेक्शन मार्क ऑन इट। तो कंपास जो होता है उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के लिए मार्क किया होता है, नॉर्थ लिखा होता है, साउथ लिखा होता है, ईस्ट वेस्ट लिखा होता है, हमने कंपास देखा ही है। तो ये सब कुछ लिखा होता है। तो कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, इट इज एट ऑफ द ग्रेट यूज ऑफ ट्रैवलर एंड नेविगेटर एज इट टेल्स द डायरेक्शन। तो हमें घर पे मैग्नेट बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो
तो सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस लेना है, टेबल पे रखना है। बाद में एक बार मैग्नेट लेके आना है, उसके प्लेस के जो पोल है उसका वो एक एज के पास में रखना है। कुछ भी लिफ्ट नहीं करना है। मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार, फील द अदर हैंड इज रिच। जो आयरन बार होता है उसके नज़दीक लेके जाना है। तो बाद में मैग्नेट को लिफ्ट करना है और ब्रिंग द सम पोल्स ऑफ मैग्नेट टू सम पॉइंट ऑफ आयरन बार फ्रॉम द विच वी बिगेन बिफोर। तो हमें वो जो आयरन बार है वो मैग्नेट के पास रखना है। तो ये प्रोसेस 30-40 टाइम्स अगर हम जब करेंगे, डायरेक्शन ब्रिंग सेम सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार and check whether it has become a magnet. If not, then continue the process for more time. अगर वो नहीं हो रहा है attraction, repulsion हो, मतलब iron जो magnetic material है उसको attract नहीं करना है, तो अगर 30-40 time भी हम बार हम times हमने we have repeated, then we have to repeat it again to make the magnet. So continue process and for more time. और precaution क्या है कि ये जब भी हम करते हैं तो ये process के लिए time लगेगा। तो जो पोल का magnet है और direction है वो हमें change नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। Okay, next question we will see in next video.